हेलो निको। सो इनफैक्ट इट इज राइट टाइम टू स्टार्ट। इट सीम्स दैट स्टूडेंट्स आर नॉट हियर येट। यस आलस वसुंधरा वेलकम। इनफैक्ट टू चैप्टर्स आर देयर फॉर टुडेज एग्जाम। श्रीनाथ गुड। सो हाउ वॉज द पेपर? कसा होता पेपर? हाय आकांक्षा, कसा होता पेपर? आवाज वगैरह सगळा येतोय व्यवस्थित? वैष्णवी, सो कसा होता पेपर मग? वॉज इट इजी और बिट ऑफ टफ पेपर? आई होप देर इज नो बफरिंग। अमेजिंग पेपर सालस, वेरी गुड। वैष्णवी स्वामी इजी होता, छान। रेस्पायरेशनचे जर जे बेसिक जे गोष्टी आहेत, पार्शियल प्रेशर वगैरे आणि डायजेशनमधले सगळे एन्झाईम्स वगैरे प्रॉपर माहिती असतील तर पेपर अगदी इझी होता। ठीक आहे, सो व्यूअर्स आर जॉईनिंग अँड आय सजेस्ट दॅट प्लीज क्लिक द लिंक अँड कम ऑन डायरेक्ट यूट्यूब ॲप। तुम्ही बहुतेक जण काय करताय, व्हॉट्सॲपमधूनच जी डायरेक्ट विंडो ओपन होते तिथून पाहता। येस निकू, पेपर वॉज क्वाईट इझी। इनफॅक्ट स्टडी प्रॉपर असल्या ना पेपर इझीच जातो, रिव्हिजन वगैरे प्रॉपर होणं अपेक्षित आहे। या लॉकडाऊनच्या टाइममध्ये सुद्धा आपण कनेक्टेड आहोत, सो ॲटलीस्ट एव्हरी डे वन्स, ॲटलीस्ट रोज किमान एक वेळेस तरी या सगळ्या तंत्रज्ञानाला टेक्नॉलॉजीला आपण थँक्यू म्हणायला पाहिजे। वैष्णवी डहाळे वेलकम, सोहम सोईन ओके। तेच प्रॉब्लेम काय होतोय, तुम्ही बहुतेक जण काय करताय व्हॉट्सॲपवरून पाहताय त्यामुळे इथे कॉन्करंट व्ह्यूअर्स कमी दिसतात। हा एक मेजर प्रॉब्लेम माझ्या लक्षात आला आहे। सो व्हॉट्सॲपमधून तुम्ही लिंकला म्हणजे वरच्या डायरेक्ट जर याला क्लिक केलं तर तिथेच विंडो ओपन होत असते। आणि मी याचं काल ॲनालिटिक्ससुद्धा पाहिलं, ॲनालिटिक्समध्ये सुद्धा दिसत होतं की 80% व्ह्यूअर हे डायरेक्ट काय करतात, व्हॉट्सॲपमधून पाहतात। सो दे डोंट हॅव दॅट ऑप्शन टू लाईक इट ऑर डिसलाईक इट ऑर टू कमेंट समथिंग। परवेज वेलकम। आदित्य पाटील हाय, प्रणय कांडी येस, देन सानिका नरवाडे सोम येस। डायरेक्टली यूट्यूबवर या तुम्ही, म्हणजे जी लिंक पाठवतो आहे मी ती लिंक आणि सर्वांना सबस्क्रिप्शन केलेले जेवढे आहेत नाव इट इज समवेअर 150-150 जवळपास आपले झालेले आहेत, तर तुम्हा सर्वांना नोटिफिकेशन भेटत आहेत का नाही एकदाचं चेक करून घ्या। आणि बेल आयकन त्याच्यामध्ये आय थिंक प्रेस करावं लागतं तर तुम्हा सर्वांना नोटिफिकेशन्स भेटत असतात त्याचे। सारिका चक्रवार वेलकम। तर आता इथे व्ह्यूवर्स पहा, यूट्यूबवरून पाहणारे फक्त 8 व्ह्यूवर्स आहेत आणि बाकीचे मी जेवढ्यांची नावं घेतले ते सगळे व्हॉट्सॲपवरून पाहत आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांना कमेंट वगैरे करता येत नाही आहे। तर ते सर्वांनी काय कराय पाहिजे तर हे बंद करा आणि तिकडे जिथे लिंक आहे खाली ब्ल्यू कलरमध्ये येते ते डायरेक्ट लिंकला क्लिक करा, राईट, म्हणजे यूट्यूबच्या ॲपमधून ते डायरेक्ट ओपन होईल। ठीक आहे, ओके। सो मग इथून पुढे आता जर लिंक नाही पाठवली तर चालेल का? जर तुम्हाला लिंक रोज नाही शेअर केली तरी चालेल ना? आय होप चालायला पाहिजे। ओके सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। सेक्शन ए। नाव आय
like to type every day 1 to 10, 11 to 20. So bear me for that. Aditya Patil, yes, same thing. Okay. So let us start the question paper. Yes. Is it fine? I hope you can read everything. सगळं दिसू शकतं तुम्हाला, राईट? फाईन निकू. आता इथून पुढे मी नोटिफिकेशन आता हळूहळू एक एक ग्रुप कमी करतो. तीन चार ग्रुप झालेले आहेत आणि अनअकॅडमीचे काही व्हिडिओज चालत असतात. अनअकॅडमीचे पेड सेशन्स आहेत. तुम्ही नाव ऐकलं असेल कदाचित अनअकॅडमीचं. ऐकलंय का अनअकॅडमी? UNACADEMY अनअकॅडमी. ठीक आहे, तर अनअकॅडमीचे व्हिडिओ सेशन्स पहा आणि आपलं व्हिडिओ सेशन पहा. आय डोंट फाईंड एनी डिफरन्स देअर. थँक्स सो. तर फक्त आपलं हे सगळं कसं आहे, फ्रीमध्ये आहे. सो बरेचसे विद्यार्थी याच्यामध्ये लाईव्हमध्ये पार्टिसिपेट करत नाही आहे, राईट? आय रिमेंबर once upon time I've got that subscription of that Unacademy, and I know hundreds of students simultaneously they were in the live chat and the live session. And when we are giving same thing in free, then it seems that students are not taking that much interest. This is a really bad thing. Yes, number of students they are taking benefit, it is quite less. राईट, चलो सुरू करते फिर. ठीक आहे, चालू करायला हरकत नाही ना आता. चला सेक्शन ए साठी मला सांगा क्वेश्चन्स 1 to 10 मध्ये काय डाऊट आहे तुमचे. येस, क्वेश्चन 1 to 10. क्वेश्चन 1 to 10. Yes, question number 1 to 10. If any doubt is there, I would like to discuss. Question number 2, Sara Anjum and Parvez. Okay, so here is the question number 2. Anything else? 2, 7, 4. Okay, 4 goes to there. And then question number 7. Right. थ्री क्वेश्चन्स होम. ओके, शुरू करते क्वेश्चन नंबर 2 से. ड्यूरिंग विंटर अ पर्सन डाइड ड्यूरिंग स्लीप. द रूम वॉज क्लोज एंड कंटेनर विथ बर्न चारकोल वॉज फाउंड इन द रूम. वॉट मे बी द पॉसिबल रीजन ऑफ हिज डेथ. नाउ दिस इज अ वेरी अप्लाइड क्वेश्चन. नाउ वी मस्ट नो दैट हिमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी फॉर दैट कार्बन मोनॉक्साइड. हिमोग्लोबिनला जी आहे ती ॲफिनिटी कशासाठी आहे? कार्बन मोनॉक्साईडसाठी आहे. नो डाऊट इन दिस सेंस. ओके निको, व्हेरी गुड. अगर डाऊट नाही येतो. सो हिमोग्लोबिन हॅज गॉट मोर ॲफिनिटी विथ दिस कार्बन मोनॉक्साईड ॲज कम्पेअर टू ऑक्सिजन ऑर इवन कार्बन डायऑक्साईड, राईट? सो ऑन बर्निंग ऑफ चारकोल, पर्टिक्युलरली हाफ बर्निंग, देन देर इज रिलीज ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड अँड विच इज क्वाईट पॉयझनस, राईट? कार्बन मोनॉक्साईड इज क्वाईट पॉयझनस. इट फर्दर डिक्रीजेस ॲफिनिटी ऑफ ऑक्सिजन फॉर दॅट हिमोग्लोबिन. ठीक आहे, सी काइंड ऑफ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सिजन ऑर कार्बन डायऑक्साईड विथ दॅट ऑफ हिमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ बाइंडिंग कॉल्ड एज मीन्स इट इज लाईक दॅट इफ फोर मॉलिक्युल्स आर गोईंग टू बाइंड विथ दॅट हिमोग्लोबिन, द बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट मॉलिक्युल इन्क्रीजेस द चान्सेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ सेकंड मॉलिक्युल. Binding of second increases the chances of binding of third molecule, and third molecule make it too much easy for binding of fourth molecule, right? So it is in a kind of sequence.
Now, if at the very first sight, if there is carbon monoxide, then carbon monoxide decreases affinity for that oxygen. So this is the reason, मतलब चारकोल अगर रूम में जल रहा है, चारकोल माने कोयला, ठीक है, काइंड ऑफ कोल वी कैन से. सो अगर वो कोयला जल रहा है तो वो रूम में जो कि बंद है, रूम वॉज क्लोज्ड ऐसा दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन जो भी वहाँ पे इंसान जो सोए वाला है उसका, उसके खून में जो भी हीमोग्लोबिन है उसको जा कर के कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा. उसके वजह से क्या हो जाएगा कि वो जब सांस ले रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन अगर अंदर जाता भी है तो फिर उससे वो अटैच नहीं हो सकता है, तो वो सफोकेशन की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, राइट. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, इज इट. क्वेश्चन नंबर 9 मध्ये पण डाउट आहे, चला ठीक आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन ड्यूरिंग स्वॅलोइंग ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लॅप कॉल्ड एपिग्लॉटिस. रीजन, एपिग्लॉटिस गाइड्स एअर टू एंटर द लंग्स. नो, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटिस. वॉट एपिग्लॉटिस डज, एपिग्लॉटिस काय, काइंड ऑफ फ्लॅप, क्या वो एपिग्लॉटिस, एक फ्लॅप है, एक ढक्कन है, ठीक है, जो ग्लॉटिस पे होता है, राइट. अभी फैरिंग्स में दो तरीके के ओपनिंग है, एक तो है जो इसोफेगस का, दूसरा है जो ट्रैकिया का है, ठीक है. अब ये जो ग्लॉटिस है वो किस चीज़ का ओपनिंग है, एक होता है गलेट और दूसरा होता है ग्लॉटिस, राइट. अब ये ग्लॉटिस जो है ये क्या करेगा, हवा को अंदर जाने देगा वो ट्रैकिया के अंदर, ग्लॉटिस के अंदर, ग्लॉटिस के थ्रू, ठीक है. लेकिन अगर फूड पार्टिकल या पानी का ड्रॉप या कोई भी चीज़ अगर अंदर जाती है तो उनको वो ट्रैकिया में जाने से रोक देगा. तो एपिग्लॉटिस का काम एयर को गाइड करना नहीं है, एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि उसको आने नहीं देना है, किसको, जो भी सॉलिड चीज़ है या सॉलिड या लिक्विड चीज़ है उनको. तो यहाँ पर एपिग्लॉटिस का फंक्शन गलत तरीके से दिया वाला है कि ऐसे बोले वाला है कि दैट इट गाइड्स एयर टू एंटर द लंग्स. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन है. एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, तो प्रिवेंट द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इन टू दैट ट्रैकिया. बट इट, दिस इज वॉट द फंक्शन. सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. Here it is, the assertion is true, option last. Then question number 7, emphysema is a condition resulting from, so it is a cigarette smoking. I think it is given in the very last part of the chapter, some disorder related with the respiration. Cigarette smoking ke wajah se kya hota hai, cigarette mein jo coal tar wagera hota hai wo lungs ke alveoli mein ja kar ke phas jata hai, theek hai. So a kind of disorder called as emphysema is there. लीकर कंजम्पशन का लीवर से कॉन्टैक्ट है, लीवर से रिलेटेड रहेगा वो, ठीक है, फाइब्रोसिस, लीवर फाइब्रोसिस वगैरह. बाकी ड्रग एडिक्शन या फिर रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये इसका सिम्टम हो सकता है लेकिन वो नहीं है. मतलब क्या बोलते हैं कि रिजल्टिंग फ्रॉम, किस चीज़ का परिणाम, ऐसा पूछ रहा है. बट इट, क्वेश्चन नंबर 9 भी किसी ने पूछा है. ओके फाइन, इसको नीचे कुछ नहीं होगा ये. Here it is. Quite easy. इसमें सिर्फ एक दिक्कत क्या हुई थी, that here one or this L was there. It must be T. ठीक है. Now see here. Shark. Shark को क्या होता है? Yes. Dog को क्या होता है? अच्छा चलो सबसे easy, आसान से शुरू करते हैं. Dog. Dog को क्या होता है? We know. It has got lungs. ठीक है. So डॉग को अगर हम लंग्स जोड़ेंगे तो दो का पी आता है. तो कितने इसमें दो का पी, एक तो पहले इसमें है, फिर तीसरे इसमें, मतलब ये जो है 3 और 4 ये एलिमिनेट हो गए. बट इट, तो बचे 2 और 4. अभी दो, सॉरी, 1 और 4 बच गए. एक और ये 3, 2 है. दोनों में सेम सेम क्या है, पहले का आर है, दूसरे का पी है, तीसरे का टी या एस. अब तीसरा क्या है, कॉकरोच. कॉकरोच का कैसे होता है, कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम होती है, ठीक है. तो तीसरे का क्या आ रहा है, टी आ रहा है. फाइन, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 का क्या लिखा है, यस. सी, दिस इज द वे हाउ यू कैन सेव योर टाइम. यस, डैमेज इज हियर सर. यस, नेको, राइट, गॉट इट, ठीक है. अगर चौथा नहीं भी आता है आपको, स्कॉर्पियन नहीं भी आता है आपको, अगर पता भी नहीं कि स्कॉर्पियन का बुक लंग्स है, तो भी बाकी 3 से भी आप ये सवाल क्रैक कर सकते हो. सी,
While attempting the biology question paper, you have got two challenges, right? First challenge is to solve maximum correct, and second, to save time as much as possible. ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 90 क्वेश्चंस के लिए हमें 90 मिनट चाहिए. ठीक है, व्हाट आई बिलीव दैट 65-70 मिनट्स इज फार मोर देन ओके, राइट? सो स्कॉर्पियन अंडर आर्थ्रोपोडा, सही ना? स्कॉर्पियन इज अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा इटसेल्फ, डोंट यू थिंक सो? स्कॉर्पियन देखा नहीं है आप लोगों ने? स्कॉर्पियन देखा है कि नहीं? तो वो आर्थ्रोपोडा में नहीं आएगा? कम ऑन, सेक्शन बी चलो. इनफैक्ट क्या बोलते हैं श्रीनाथ सर एंड कॉकरोच, कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है. इनफैक्ट जो कॉकरोच है, कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम है. अभी स्कॉर्पियन कई मायनों में उससे, मतलब आर्थ्रोपोडा का मेंबर होते हुए भी थोड़ा अलग है हर एक टाइप में. तो कॉकरोच का ये भी इनफैक्ट एक एक्सेप्शनल फीचर है, आर्थ्रोपोडा का वो फीचर नहीं बनेगा. आर्थ्रोपोडा में तो मैक्सिमम जो मेंबर्स है वो ट्रैकियल सिस्टम वाले हैं, राइट? सेक्शन बी 16 एंड 17, 16 एंड 17 ओके. और यस 16 17, वेरी गुड स्वामी, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट. सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, इट इज गिवन स्ट्रेट फॉरवर्ड, हिपेटिक लोब्यूल्स. बिलीव मी, इसमें ऐसा बोलने वाला, मतलब एक्सप्लेन करने वाला ऐसा कोई चीज़ नहीं है. इट इज गिवन देयर इन एनसीईआरटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाँ, ये जो चीज़ है 17 नंबर के क्वेश्चन में, उसके लिए मैं आपके सामने वो ग्राफ रख सकता हूँ. गिव मी फ्यू मोर मोमेंट्स. यस, हियर इट इज. Here, this is the oxygen dissociation curve. Can you see this one? So isn't it a sigmoid? अब sigmoid इससे अलग क्या हो सकती है? Fine. So go to next section C. सेक्शन सी, यस, सेक्शन सी. आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 to 30. सिग्मॉइड है वो, सेक्शन सी, नो डाउट्स. स्टिल आई एम वेटिंग. 22, 23, 26 ओके. 22, 23, 26 ओके. और 25 भी है, 24 भी है, 24, 25 और कुछ है, 28 भी है. लगभग सभी क्वेश्चन ये इस सेक्शन में, इतने मुश्किल है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22, इज देयर एनीथिंग मोर? ठीक है, सब क्वेश्चन आ गए. व्हाट इज ट्रू ऑफ रेनिन?
It convert para casein into casein, is it so? It is a lipase, is it so? No. वो क्या करता है, वो लाइपेज लिपिड का ब्रेकडाउन करने वाला है क्या? वो नहीं, वो तो केसिन का ब्रेकडाउन करने वाला है. एंजाइम इज एबंडेंट इन इन्फेंट एंड वर्चुअली एब्सेंट इन एडल्ट. सी, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक एंजाइम ऐसा है जो सिर्फ दूध पीते बच्चों में सीक्रेट होता है, इन्फेंट्स में. इन्फेंट हम किसे बोलते हैं, ये आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए, ठीक है? 12 वीक्स तक हम उसको क्या बोलते हैं, यस, एम्ब्रियो बोलते हैं. एम्ब्रियो के बाद क्या बोलते हैं, बर्थ होने तक फीटस. फीटस के बाद जन्म जब हो जाता है तब से 6 महीने, ठीक है, टिल इट इज हैविंग मिल्क फ्रॉम अवर मदर, देन इज अवर मदर, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फंट. और फिर आगे चल के हम उसको चाइल्ड बोल सकते हैं. तो इन्फंट में सिक्रेशन होने वाला ये रेनिन है. बाकी ये एसिडिक मीडियम, पीएच वगैरह ये ऐसे कोई चीज़ नहीं है. ये जो चीज़ें हैं वो बाकी का जो पेप्सिन ओजन पेप्सिन वगैरह उनके लिए है. सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन रेनिन. गॉट इट? एंड क्वेश्चन नंबर 23 इज देयर. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइल सॉल्ट्स. बाइल सॉल्ट, बाइल के बारे में, नॉट एग्जैक्टली सॉल्ट. व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइल, मतलब बाइल के बारे में हमें क्या बोलना है यहाँ पर, कि फॉल्स क्या है. सो इट इज आस्किंग फॉर फॉल्स. सो इट कंटेन एंजाइम. दिस स्टेटमेंट इट सेल्फ इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. इवन वी डिड नॉट टू गो अहेड. बाइल में, बाइल क्या होता है, इट इज अ सिक्रेशन ऑफ लीवर विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. गॉट इट? नाउ स्ट्रांगली अल्कलाइन, बिटर टू टेस्ट, डार्क ग्रीनिश इन कलर, ऑल दीज थिंग्स आर फाइन. ये बाकी के पूरे तीनों स्टेटमेंट सही है. गलत स्टेटमेंट कौन सा है, इट कंटेन एंजाइम. इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है. बाइल किस चीज़ से, बाइल का मेन कंपोजिशन क्या है, एक तो उसमें बाइल सॉल्ट है और दूसरा बाइल पिगमेंट है. बाइल पिगमेंट में क्या आता है, यस, बिलीरुबिन एंड बिलीवेरिडिन. एंड बाइल सॉल्ट में इट इज समथिंग लाइक सोडियम टॉरोकोलेट इज देयर, इजंट इट? सो दिस इज द, मतलब इसमें कोई भी एंजाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि इट कंटेन्स एंजाइम. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 24, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ काइलोमाइक्रॉन टेक्स प्लेस इन, व्हाट इज इट? अभी काइलोमाइक्रॉन का कहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन? इट इज लैक्टियल्स इन द विलाय, ठीक है. काइलोमाइक्रॉन किस चीज से तैयार होते हैं? सी, लिपिड का अगर डाइजेशन होना है तो पहले उसका इमल्सिफिकेशन होना पड़ेगा. ये इमल्सिफिकेशन कौन करा के, हु कैन ब्रिंग इट अबाउट? दैट इमल्सिफिकेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लार्ज ड्रॉप्स इन टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ दैट लिपिड्स. इट इज डन बाय दैट बाइल सॉल्ट. गॉट इट? अब उसके बाद उसको वो प्रोटीन का जो लेयर बनना वगैरह है, चीज़ें हैं जो, जिसको हम काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? लैक्टियल्स इन द विलाय. लैक्टियल क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी, राइट, वाइट इन कलर, दैट इज वाइट इज कॉल्ड एज लैक्टियल. सो इट इज लैक्टियल्स इन द विलाय. अभी बाकी की जो चीज़ें, असेंडिंग कोलन, स्टमक वॉल, माउथ, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज क्वाइट ईजी. यू मस्ट नो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ दिस काइलोमाइक्रॉन फॉर दिस वन, ठीक है. लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है, ये जो प्रोसेस है ये पता होनी चाहिए इसके लिए. बट इट, क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट केयरफुली. अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल्स. ओके, द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ हियर देयर कुड बी सम प्रॉब्लम. ड्यूरिंग स्वेलोइंग एपिग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन टू द लैरिंग्स. नाउ हियर ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स आर देयर. देन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. अगेन हियर इज द प्रॉब्लम. सी, सो वॉट इज द क्वेश्चन हियर, इट इज करेक्ट आर आस्क. इसमें से करेक्ट कौन से ये पूछे वाला है. सो पहला स्टेटमेंट जो है कहाँ से, अस्थमा वाला, ये ठीक ठाक स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. लुक एट दिस सेकेंड स्टेटमेंट. पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, मतलब नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, क्या ये पूरा एक्सचेंज पार्ट है? नहीं, एक्सचेंज पार्ट कहाँ पे, सिर्फ एल्वियोलाई में. बट इट,
एक्सचेंज पार्ट कहाँ पे है? सिर्फ एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है, नॉस्ट्रियल में एक्सचेंज होता है क्या? नहीं, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग वन। तो इसको हम स्क्रैच कर देते हैं लाइक दिस। ओके, देन ड्यूरिंग स्वेलोइंग एपिग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। अब ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया इन लोगों ने। इन्होंने क्या लिखना चाहिए था कि एपिग्लॉटिस को कवरिंग नहीं हो रही, कवरिंग हो रही है ग्लॉटिस को, किससे? एपिग्लॉटिस से। इन्होंने क्या लिखा है? एपिग्लॉटिस कवर्ड बाय, नो, ग्लॉटिस कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, इट शुड बी लाइक दिस। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। व्हाट अबाउट फोर्थ वन? तो इसको थर्ड को भी क्या कर देते हैं? स्क्रैच आउट कर देते हैं। ठीक है, अभी आता है नेक्स्ट में। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ओ टू, राइट? नाउ सी हियर, अभी पार्शियल प्रेशर क्या बोले वाला है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। इनफैक्ट ये जो ऑप्शन है इसमें भी दिक्कत है, राइट? इट शुड बी सी ओ टू, राइट, विच इज नॉट गिवन हियर। इनफैक्ट यहाँ पर दिए वाला नहीं है, राइट? यहाँ पर दिए वाला है क्या? सी ओ टू नहीं। तो एक तरीके से ये गलत आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, ओ टू का पार्शियल प्रेशर है, लेकिन ओ टू का पार्शियल प्रेशर जो है मतलब CO2, O2 ठीक है, O2 गलत भी है सही भी है। देखो हम इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का रेगुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इन दैट केस हियर इट शुड बी CO2। लेकिन ये CO2 की बात कर रहा है, रेगुलेशन की बात कर रहा है क्या? नहीं, ये क्या बात कर रहा है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड जो हो रहा है वो किस चीज़ से रिलेट करता है? तो जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रहेगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो मैं एक आपके लिए एक चीज ला सकता हूँ। गिव मी फ्यू मोर मोमेंट्स, इज देयर, बट आई हैव ब्रॉट इट वेयर इट इज, यस, हियर इट इज, सी हियर, यू गेट दिस टेबल, यू मस्ट रिमेंबर दिस टेबल। अब देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर 159, एल्वियोलाई में 104 है, तो इसके वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब एल्वियोलाई में 104 है और जो एल्वियोलाई के सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज है उसमें कितना है? 40 है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो ये डिसाइड कर सकता है कि ऑक्सीजन किस दिशा में जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तब यहाँ पर CO2 इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए हम इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट कर मतलब डिसाइड करना पड़ेगा। और वैसे भी ऑप्शन में दो दो के पेयर दिए वाले, सो ओनली वन एंड फोर आर पॉसिबल, राइट? क्यों? तो दो और तीन तो वैसे भी गलत है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के थे। सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट ट्रू, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इट सेज? क्वेश्चन नंबर 26, हीमोग्लोबिन रिजेंबल्स हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन में क्या समानता है? कंटेंट ऑफ मेटालिक एलिमेंट, इज इट सेम? नो, हीमोसाइनिन इट इज कॉपर, हीमोग्लोबिन इट इज आयरन, तो एलिमेंट सेम है क्या? नहीं। रेस्ट्रिक्टेड ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ एनिमल, एक ही एनिमल, एक ही टाइप के एनिमल में है क्या? नहीं। हीमोसाइनिन भी नो, मोलस्का में मिलता है, वो ब्लू कलर का जिनका ब्लड होता है, राइट? तो सेम ग्रुप ऑफ एनिमल में नहीं है। देन इंट्रिंसिक कलर, ये भी सेम नहीं है, ब्लू कलर रेड कलर, सो राइट वन इज द नन ऑफ दिस, फाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लैरिंग्स डिफर्स फ्रॉम साइरिंग्स इन दैट, लैरिंग्स डिफर्स फ्रॉम साइरिंग्स। ठीक है, नाउ अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का कहना पड़ेगा, राइट? तो सी हियर, बोथ लैरिंग्स इज इन द ह्यूमन बींग एंड इट इज एट द अपर टिप ऑफ द ट्रैकिया। अब देखो लैरिंग्स it is in human being and it is about the syrinx that it is the upper tip of the trachea, got it? मतलब larynx human being में है और उसका location जो बताए वाला है वो कहाँ पर है? trachea के upper end को है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा NCERT के बाहर का था ये, got it? NCERT के थोड़ा सा बाहर का था। Syrinx, in fact, it is present in birds.
It is a vocal organ for the birds, right? Yes, क्या था? Bilayer PH 7 Srinath Kaiman तो है मी क्या लोन तो yes कहीं और I was on that window. Kaiman तो है Srinath. Bilayer PH 7 to 8 but it is given strongly alkaline. Nine Srinath. Bilayer PH 7 to 8 नहीं ना. No. कहते हैं interpretation में तो चुकते तू सब. Get it confirmed. According to my knowledge, it is around 5 by pH. And what Nico saying? CS vocal box of birds. CS better was same thing. I was told. Sound production obviously. J larynx का काम है तेज़ है. ठीक है. Then question number 29. Question number 29. Yes, it is digestion of protein is incomplete in the absence of enterokinase because see what is enterokinase first of all? Enterokinase kya hai? It is otherwise called as succus entericus, isn't it? Kaun secrete kar raha hai ye intestine, intestinal mucosa and goblet cells. उनका सिक्रेशन को उनके क्या बोलते हैं एंटेरोकाइनेज या सक्कस एंटेरिकस. तो ये क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करता है और ये ट्रिप्सिन जो है फिर वो पेप्टाइड को पेप्टोन वगैरह कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, गॉट इट. और ये बाद में आगे चल के ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर सकता है. तो ये जो है पूरा एक कैस्केड है रिएक्शंस का. ठीक है, सो ये राइट ऑप्शन इज ट्रिप्सिनोजन. वो कैस्केड में सबसे पहला जो है ये ट्रिप्सिनोजन वाला, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन. इसका एक्टिवेटर कौन है? एंटेरोकाइनेज. लेकिन अगर एंटेरोकाइनेज नहीं रहेगा, एब्सेंस रहेगा उसका, तो क्या होगा? ये कैस्केड में का पहला स्टेप पूरा नहीं हो पाएगा. अब अगर ट्रिप्सिन नहीं बनेगा तो वो ना तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, राइट? और दूसरी चीज़ जो है वही ट्रिप्सिन आगे चल के क्या करने वाला था? काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने वाला था, तो वो भी नहीं होगा. लेकिन पहला स्टेप यहाँ पर फॉल्ट, मेजर फॉल्ट ये हो जाएगा. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 29. सो राइट आंसर इज ए. गॉट इट. सो और कौन से क्वेश्चंस है? ये श्रीनाथ बाइल शुड, यस. चलो आगे बढ़ते हैं. फिजिकल, सॉरी, नो डाउट्स आर ओवर आई थिंक. सो सेक्शन डी, सेक्शन डी. श्रीनाथ काय म्हणतो? इट शुड बी ऑप्शन बी. कशासाठी? हाँ हाँ, वन सेकेंड. चोज दैट क्वेश्चन, लेट मी लुक इन टू इट वन सेकेंड. यस, हियर द प्रॉब्लम विद दिस वर्ड स्ट्रांगली. श्रीनाथ मस्ट गेट दिस नाउ. ओके, स्ट्रॉंगली मध्ये प्रॉब्लेम आहे बेटा. देते क्वेश्चन नंबर 31, 38, 40, 33, 35, सो मेनी. 31, 33, 35, 38, 40. ओके, 31, 35, 38, 40. 31, 35, 38, 40. ओके, अजून काही आहे का? 32 सुद्धा आहे का? बत्तीस सुद्धा आहे. 33 पण आणला प्रेम. वा वा, सगळेच करून घेता का रे? पेपर तर सोपा होता म्हणता आणि खूप सारे डाऊट सांगता. सोहम सेज नो डाऊट इन डी. व्हेरी गुड सोहम.
So question number 31. What it says? Inspiration occurs when there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. This negative pressure is achieved. ठीक है, inspiration माने inhalation. Inhalation कब होता है? देखो, अगर बाहर atmospheric pressure ज़्यादा है, lungs में कम है, then there is a negative pressure in the lungs. So this negative pressure, तो ये negative pressure कैसे हासिल किया जाता है? So what are the options? Intrapulmonary pressure equal to the atmospheric pressure. Then वही तो चीज़ें मैं जो मैंने बोला वही तो लिखा है यहाँ पर भी. Intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure is the last option, isn't it a better one? Intrapulmonary माने lungs के अंदर जो pressure है is less than atmospheric pressure. So this is the simple question. Negative pressure का खाली मतलब पूछा है यहाँ पर. Question number 32. Neural system regulate respiratory activity. Neural system regulates respiratory activity. तो क्या हो गया फिर? इन्वॉल्विंग. अच्छा, इसमें क्या इन्वॉल्व है? न्यूरल सिस्टम रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को जो रेगुलेट कर रहा है. कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स इन एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, ऑल ऑफ दिस, सेंटर इन पॉन्स, यस सेंटर इन, यस यस यस. इफ यू गो थ्रू दैट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसमें ये पूरी तीनों की तीनों चीज़ें आ जाती है, एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी. फिर पॉन्स वरोली में एक उसका सेंटर है और मिडिल ऑब्लॉन्गेटा में भी सेंटर है. कीमोसेंसिटिव एरिया और ऑल दीज थिंग्स आर देयर. ये पूरी तीनों की तीनों चीज़ें हैं. इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग इट टू यू राइट नाउ. ठीक है, सो आंसर ऑब्वियसली इट विल बी ऑल ऑफ दिस. यस यस, ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर. क्यों? तो न्यूरल सिस्टम किस तरीके से, मतलब ये हार्ट के जैसा ऑटोरिदमिक वैसा वगैरह कुछ नहीं है. इसका पूरा जो रेगुलेशन है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है और उसकी तीन प्रूफ. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 33. लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रिथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज. लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रिथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन. सो व्हाट अबाउट दिस? लंग्स जो है कोलैप्स नहीं करते हैं कभी भी. ठीक है, तो इसका जो रीजन बताया वाला है जो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या? दैट देयर इज ऑलवेज इंटर प्यूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स. ठीक है, इंटर प्यूरल प्रेशर, यस माई मिस्टेक, इंट्रा प्यूरल प्रेशर, इट इज ऑलवेज निगेटिव. तो क्या करते हैं? पुलिंग एट द लंग वॉल्स, तो वो हमेशा हवा को अंदर की ओर खींचते रहते हैं, पुलिंग एट द लंग वॉल्स. सो दिस इज वाई लंग्स डू नॉट कोलैप्स. अब ये जो पॉइंट, इसके बारे में हमने जो कई सारे के कॉन्स्टेंट आपने पढ़े उसमें आ जा रही है. कहाँ पर? रेसिडुअल कैपेसिटी का जो पॉइंट है वहाँ पर ये पॉइंट आप उसमें से कोरिलेट कर सकते हैं. राइट, गॉट इट? सो ऑलवेज देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, इजंट इट, जो क्या करता है, लंग वॉल को जो है हमेशा पुल करने का काम करता है और इसकी वजह से जो वो पूरा कभी कोलैप्स नहीं हो पाता है. व्हाट इट? क्वेश्चन नंबर 33. देन 35 इज ऑल्सो देयर. बहुत इजी क्वेश्चन ला रहे आप लोग. सी यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी. ये क्वेश्चन कोई खास कंसेप्चुअल क्वेश्चन था नहीं. व्हाट इज टाइलिन? पीएच वेयर इन टाइलिन इज फंक्शनली एक्टिव. टाइलिन क्या है? यस, व्हाट इज टाइलिन? यस, आई एम वेटिंग. टाइलिन क्या चीज है? सिद्धू, अच्छे गावे. ओके, यस, आई वांट टू हियर दिस फ्रॉम यू. टाइलिन क्या चीज है? आई एम वेटिंग. दो मिनट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. I must know this from you. What about tiling? Digestion का chapter शुरू होते ही ये चीज़ उसमें आ जाती है. Salivary amylase के लिए. Nobody is responding, so I have to explain as usual. एक तो आपके पास ये है कि 15 second का जो lag है इसमें, तो उसके लिए जो पीएच है वो पूछा था. एक
अच्छा सा पिए जब वो एक्टिव हो सकता है। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इनफेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 38 इनफेरिंग्स इनटू विच बकल कैविटी ओपन अदर ओपनिंग्स फाउंड एसोसिएटेड आर। तो फेरिंग्स में कितनी ओपनिंग्स है? ठीक है, तो एक तो है नेसोफेरिंजियल ओपनिंग, यूस्टेशियन ट्यूब है, गलेट एंड ग्लॉटिस है, और ये सारी सारी की सारी ओपनिंग कहाँ पर आती है? फेरिंग्स में। एक जो नाक से जाती है, जो फेरिंग्स में ओपन हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नेसोफेरिंजियल। फिर यूस्टेशियन ट्यूब, ये मिडल ईयर की तरफ से आने वाला। ये गलेट एंड ग्लॉटिस, अभी मैंने बोला था गलेट फॉर इसोफेगस एंड ग्लॉटिस फॉर द ट्रैकिया। सो ऑल ऑफ दिस राइट, सो इट्स क्वाइट इजी। देन क्वेश्चन नंबर 40। सो व्हाट इज इट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट पूछने वाला है। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सो लेट अस राइट एफ। इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोस आर कॉल्ड एज रगी। फाइन, नो प्रॉब्लम, एज इट इज स्टेटमेंट आहे एनसीईआरटी मध्ये। ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ हिपेटिक लोब्यूल। ये भी एज इट इज है, सो लेट इज राइट टी इन फ्रंट ऑफ दिस टू स्टेटमेंट। व्हाट अबाउट थर्ड? ब्रूनर्स ग्लैंड आर सब म्यूकोसल। यस, इट इज ऑल्सो गिवन देयर। सब म्यूकोसल, म्यूकोसा मध्ये फक्त त्या गॉबलेट सेलचे वगैरे ग्लैंड्स आहेत। बट इट एंड देन मिजोथेलियम और सिरोसा। नाउ दिस मस्ट बी द आंसर, बट लेट अस रीड इट आउट व्हाट इट इज एग्जैक्टली। मिजोथेलियम और सिरोसा लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सर्क्युलर लेयर ऑफ द मस्क्युलरिस। नाउ सी, क्वेश्चन इज अबाउट सिरोसा। इवन इफ यू डोंट नो दिस मिजोथेलियम, बट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दिस सिरोसा। क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सर्क्युलर लेयर, नो इट इज विद द लॉन्जिट्यूडनल लेयर ऑफ द मस्क्युलरिस, इजंट इट? तो जो ये चार लेयर्स है, कहाँ से? इसोफेगस से लेकर के भी लास्ट जो कोलन है वहाँ तक, पूरा जो एलिमेंट्री कैनल है। तो एलिमेंट्री कैनल को जो चार लेयर्स है, कौन से है? यस, इनसाइड टू आउटसाइड, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्युलरिस एंड देन सिरोसा इज देयर। तो सिरोसा जो मस्क्युलरिस है, उसमें सर्कुलर लेयर बाहर की तरफ से नहीं होता है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इजंट इट? दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सो दिस विल बी द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट पूछा था। गॉट इट? इट कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर। सालस, कुठे आहेस तू? झालं ना ते, तुम्ही तर खूपच मागे दिसायला लागले बाबा। मीच पुढे पुढे पळायला लागलो की काय? येस, सो नाउ सेक्शन ई। सेक्शन ई, सेक्शन ई, दैट इज 41 to 50। और कुछ 41, 42, 49, ओके, आणखीन काही? 43, 48 आय थिंक आय डीड 48। ओके, निकू इज आस्किंग फॉर डाउट, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर CO2 कॉन्सेंट्रेशन? CO2 कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए ठीक से चीज़ों को अगर समझ भी लेते हैं ना, तो भी हो जाएगा। CO2 कॉन्सेंट्रेशन,
मोर इन एल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर। अब एल्वियोलर एयर मतलब जो अभी हवा अंदर लिए वाली है और जो हम हवा बाहर छोड़ रहे हैं वो एक्सपायर्ड एयर, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दूसरा क्या है, मोर इन इंस्पायर्ड एयर। अब जो हवा अंदर ले रहे उसमें तो ज़्यादा नहीं रहेगा, इतना तो बहुत सिंपल है, तो इसको स्क्रैच इट आउट बाहर निकाल देंगे। मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन एल्वियोलर एयर, एक्सपायर्ड एयर में ज़्यादा एल्वियोलर एयर से, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। लास्ट वाला क्या है, मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, इंस्पायर्ड में ज़्यादा नहीं, ये भी गलत है। तो बी और डी माने सेकेंड और लास्ट, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। अभी दो थोड़े से जो कंफ्यूज कर सकते हैं वो है ए और सी, ठीक है। तो एल्वियोलर एयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, इस चीज़ से कंपेयर करके एक्सपायर्ड एयर से। और दूसरा जो बोल रहा है एक्सपायर्ड एयर टू एल्वियोलर एयर, तो एल्वियोलर एयर माने क्या, जो हवा एल्वियोलस में है, ठीक है, और जो हम हवा बाहर फेंक रहे हैं, तो कौन से इसमें ज़्यादा होगा, यस इट विल बी मोर इन द एक्सपायर्ड एयर, राइट। सो राइट आंसर विल बी मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन एल्वियोलर एयर। क्वेश्चन नंबर 41 आई थिंक आंसर की में इसका शायद गलत ये वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 41 का हमको आंसर चेंज करना पड़ेगा, यू कैन राइट इट फॉर यू हियर, क्वेश्चन नंबर 41 सी इज द आंसर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, इट इज रोल ऑफ डैश डैश इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इसी चीज़ की मैं अभी बात कर रहा था, सेम थिंग, जब रेगुलेशन की बात आती है तो ऑक्सीजन जो है वो रेगुलेट नहीं करता है, देन इट बिकम कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो सबसे कम जो रोल है वो किसका है, ऑक्सीजन का है, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का रोल है, हाइड्रोजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, सबका, लेकिन ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है या फिर रोल है, सिग्निफिकेंस है, वो यहाँ पर बहुत ही कम है, राइट। जो कीमोसेंसिटिव एरिया है मिडिल अमेरिका, तो वो भी क्या करता है, वो CO2 कॉन्सेंट्रेशन को देखता है, एरोटिक आर्च, कैरोटिड आर्टरी, वहाँ पर भी एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस है, गॉट इट, एंड इट इज़ नॉट अबाउट द ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन नंबर 42 इज सी। क्वेश्चन नंबर 43, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2, गेट इट करेक्टेड, नॉट Q2, इज अ स्पेलिंग करेक्शन, विथ O2 प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर कर्व प्रोड्यूसेस, जस्ट वी हैव सीन दिस वन, हाँ क्वेश्चन आत्ताच अपन पाहिल्यासारखं वाटतो, इजंट इट अ सिग्मॉइड कर्व। अभी इसका मैंने अभी आपको चार्ट भी तो ग्राफ भी तो पेस्ट किया था, सो ये तो क्वेश्चन पूछने लायक बचा नहीं था इसमें कुछ। क्वेश्चन नंबर 46, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोला ऑफ लंग इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोला ऑफ लंग, एल्वियोला में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ठीक है। देखो अब अगर उसको एल्वियोला से ब्लड में जाना है तो ब्लड से ज़्यादा रहना पड़ेगा, ब्लड से अगर कम रहता है तो एल्वियोला में से ऑक्सीजन जाएगा क्या अंदर, नहीं, सो इट मस्ट बी मोर देन दैट इन द ब्लड, ब्लड से ज़्यादा एल्वियोला में ऑक्सीजन का प्रेशर। अभी इसका भी तो एक टेबल पेस्ट किया था, ठीक है, सिंपल था ये भी। अभी देखो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन का मतलब समझ में आना, ये चीज़ें जरूरी, और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आप लोग कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज इट, क्वेश्चन नंबर 48, इफ द टिश्यू हैज़ लो PCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल बी सीन। मतलब क्या कि टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है कहाँ पर, टिश्यू में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल बी सीन, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें किसके लिए फेवरेबल है, देखो PCO2 कम रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को चांस मिलेगा, ऑक्सीजन उसको बाइंडिंग हो सकती है हीमोग्लोबिन से, राइट। सो टिश्यू विल टेक मोर O2, नहीं, इस देखो ये जो कंडीशन है कौन सा, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होना। अब अगर ऐसा होता है तो हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 को छोड़ के क्या करेगा, ऑक्सीजन को उठा लेगा,
अब अगर हीमोग्लोबिन ले रहा है तो वो टिश्यू को मिलेगा क्या? नहीं, इनफैक्ट ये जो सिचुएशन है ये कहाँ पर होती है? एल्वियोलाई और जो उसके इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें का जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पर ये सिचुएशन होती है। कौन सी? कि वहाँ पर PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है और लो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम, इसको आप pH के हिसाब से भी देख सकते हैं, हाई pH यू कैन से। तो क्या होगा, ये जो कंडीशन है वो कहाँ प्रिवेल करती है, कहाँ पर रहती है कंडीशन? इट इज़ अराउंड दैट एल्वियोलाई, जहाँ पर एल्वियोलाई में का जो O2 है वो कहाँ पर आ रहा है? वापस नहीं बोल सकते, जो एल्वियोलाई में का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आ रहा है? वो हीमोग्लोबिन में, कैपिलरीज में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है, सो लेट अस स्क्रैच इट आउट। ऑक्सीमोग्लोबिन विल नॉट बी फॉर्म, ये भी नहीं हो सकता है, दोनों का एक ही मतलब हो रहा है। ऑक्सीमोग्लोबिन तैयार होने के लिए सिचुएशन एक्चुअली फेवरेबल है। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम इज रिड्यूस, अब इसका तो कोई लेना देना ही नहीं इस चीज़ों से। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑक्सीजन विल नॉट डिसोसिएट फ्रॉम ऑक्सीमोग्लोबिन। अब अगर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ जाएगी तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, दैट इज इन द ब्लड कैपिलरीज अराउंड दैट एल्वियोलाई। कौन सी सिचुएशन? लो PCO2, दिस पी फॉर पार्शियल प्रेशर। देन क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज इट, व्हाट इज नॉट द सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ पैराइटल सेल। पैराइटल सेल कहाँ पर होते हैं? स्टमक में, राइट। तो उनका फंक्शन, उनका सिक्रेटरी प्रोडक्ट कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है। इंट्रिंसिक फैक्टर, HCL, ये पैनक्रियास तो कुछ गलत ही दिया है। सो पेप्सिनोजन, यस, इजंट इट अ फाइन आंसर। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा टफ पूछा नहीं था इसमें, ठीक है ना। हेप्टिक सेल, पैराइटल सेल, ये ऑक्सेंटिक सेल, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थिंक ये 9th स्टैंडर्ड से या 10th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं चीज़ें, ये चीज़ें गलत नहीं जानी चाहिए थी, isn't it? क्वेश्चन नंबर 49, बिकॉज डी एस सी एल इज सिक्रेटेड बाय ऑक्सेंटिक सेल, क्या मुसीनत का मन तो है। कन्सेप्ट थोडेशा प्रॉपर क्लियर करून घ्या, एवढी अडचण येणार नाही, एकच सांगणं आहे, त्याच्यासाठीच म्हणतोय। सारांनी सांगितलं बरोबर, येस, थँक्यू सर, इनफॅक्ट श्रीनाथ शूटचे थँक्यू। ओके, आगे बढते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, दॅट इज सेक्शन F। आगे बढ़ो, नो डाउट इन सेक्शन है ऋषिका, थैंक यू, यस श्रीनाथ सेठ, थैंक यू टू सारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 55, 59, 55, 58, 59, 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
सारे सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए 53, 54, 57 53, 54, 57 ओके। सोमेश केड़कर सालस ऑल्सो ब्रॉड 59 आई थिंक आई गेट 59 यस। शैल आई स्टार्ट पहला करने की नाइन है ओके। कस असतं मला स्क्रीन स्विच करावी लागते दरवेळेस त्याच्यामुळे असं अडचण होतं कारण माझ्या याच्यामध्ये यूट्यूबची विंडो खूपच छोटी ओपन होते अँड आय कॅनॉट रीड इट प्रॉपरली सो आय हॅव टू मूव इन टू द ओरिजिनल वर्ल्ड विंडो गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर व्हॉट इज इट 53 लेट मी ब्रिंग इट टू टॉप 53 यस। द टोटल नंबर ऑफ एल्व्हियोलाय इन ह्युमन बीइंग इज अबाउट मी काहीच नाही म्हणू शकत अशा क्वेश्चनला हा डाऊटचा क्वेश्चन असू नये खरं तर इट इज सो सिम्पल थोडंसं पहा आता सगळ्या गोष्टी एनसीईआरटीमधून अपेक्षा करू नका हे काही फार म्हणजे आपण फार डिटेलमध्ये गेलो तसं काही नाही
थोडंसं एक्स्ट्रा वॅगन ट्रेडिंग असलं तरी अशा गोष्टी माहिती होतात. आणि जरी माहिती नसल्या तरी मी काय म्हणतो, मेनी अ टाईम दॅट क्वेश्चन पेपर इट सेल्फ कॅन सर्व यू ॲज अ सोर्स सोर्स फॉर न्यू थिंग्स विच यू मे नॉट नो अर्लियर. तर आता ठीक आहे, या ठिकाणी आला. आता इथून पुढे तरी विसरायला नको. व्हॉट इज नंबर ऑफ एल्युअल आहे 75 crores. देन नेक्स्ट इज द 54. नाव दिस इज अ बिट क्वालिटी क्वेश्चन आय बिलीव. काय क्वेश्चन आहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट. नाव सी आर दिस कार्बोनिक अनहायड्रेज, दिस कार्बोनिक अनहायड्रेज, दीज आर द नेम ऑफ द एन्झाइम्स. सो कार्बन डायऑक्साइड कंबाइनिंग विथ वॉटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेज टू प्रोड्यूस कार्बोनिक ऍसिड अँड सेम कार्बोनिक अनहायड्रेज कॅन ब्रिंग अबाउट डिसोसिएशन लाईक एच प्लस अँड एच सी ओ थ्री मायनस. सी आय एम कफिंग, पण असं काही नाही आहे, माझ्या सध्या कफिंगचा गैरअर्थ नका काढू. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आय डोंट सी एनिथिंग रॉंग. वॉट इज रॉंग हिअर, सी ओ टू एच टू ओ सी एच फोर मिथेन, इज इट सो सिम्पल. इतकं सिम्पल आहे का बरं, मिथेन तयार करणं, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर एकत्र येऊ, नो दिस इज अ डॅम लाय. सी ओ टू प्लस एच टू ओ नाही, असं पण नाही काही होत, हे काहीतरी एकदम बोगस रिॲक्शन दिलेले आहेत. सी ओ टू डायरेक्ट कार्बोनिक ॲसिड, नो नो हे तर अजिबात नाही. बाकीचे तीन ऑप्शन ओरडून सांगतायत की ते चूक आहेत. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 54 इज डन. पुढे 55. व्हॉट इज इट, मार्क द ऑड वन इन ईच सिरीज अँड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, गेट इट डाउन. गॅस्ट्रिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन, डिओक्रायनिन. ओके, काही काही आहे एन सी आर टीच्या बाहेर चाललं आहे. ओके, चालू आहे, लेट्स हँडल इट. त्यानंतर काय आहे, एक सेकंड त्याला थोडं प्रॉपरली अलाईन करून घ्यावं पडतं. ओके, गॅस्ट्रिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन, डिओक्रायनिन, देन विलाय, ब्रनर्स ग्लँड, ट्रिप्स सप्लाय, क्यून, गॅस्ट्रिक ग्लँड्स, पेप्सिन, लायपेज, ट्रिप्सिन, ग्रेनिन, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, गॉल ब्लॅडर, गॅस्ट्रिक ज्यूस. सो वॉट इज this we have to find odd from each series. So see, all these are the factors which promote the secretion of others like gastrin, secretin, diocrinin, right? So trypsin is the only which is protein digesting enzyme, right? And else you can say all these are related with the stomach and this trypsin is related with the intestine. So this is also the criteria. Then second one, villi, Brunner's gland, trips of Leverkin, gastric gland. Now these three are related with the intestine and only this gastric gland is related with the stomach. Then third one is the pepsin, lipase. What is third one? Pepsin, lipase, trypsin, renin. Pepsin, lipase, trypsin, renin. So trypsin, trypsin, renin related with the protein digestion, and here lipase related with the lipid digestion. So this is odd one. And the fourth one, bile salt, bile pigment, gallbladder, gastric juice, right? So all these three, they are related with the, yes, liver. Only gastric juice related with the stomach. So from first it is about the trypsin, right? Then just give me one moment. So here it is, trypsin, color change karne ka sabka. Okay, dusre isme kya hai, gastric glands, ye ho gaya. Teesre isme kya hai, lipase, ye ho gaya. Aur chauthe isme kya hai, it is gastric juice. ठीक है, तो ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लाइपेज, ट्रिप्सिन एक में ही है. ओ गॉड, इतना सारा करने की जरूरत भी नहीं थी. इवन लुकिंग एट द फर्स्ट वन यू कैन आंसर द क्वेश्चन. गॉट इट. नेक्स्ट सर, यस यस सो ठीक है. थोडंसं काहीतरी कूलर बंद मे बी धूळ आली असेल थोडीशी, नथिंग एल्स. चला पुढे. क्वेश्चन नंबर 57. स्टडी द डायग्राम बिलो अँड सिलेक्ट द ऑप्शन दॅट करेक्टली आयडेंटिफाईज द व्हॅल्यूज ऑफ पी ओ टू अँड पी सी ओ टू.
PO2 आणि PCO2 च्या व्हॅल्यू विचारलेल्या आहेत. क्वेश्चन नंबर 57. तर मगाशीचा चार्ट जर आणला तर हे क्वेश्चन विद इन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व होतो. काही वेळापूर्वी जस्ट अ मोमेंट, क्वाइट इजी क्वेश्चन. होता ना मी व्हेरी पॉइंट कंट्रोल झेड केला बटन मी कंट्रोल झेड केलं असेल. क्वेश्चन नंबर 57. यस, गिव मी फ्यू मोर मोमेंट्स. इट्स सो इजी. नाव काय विचारलेलं आहे याच्यामध्ये? क्वेश्चनमध्ये PO2 आणि PCO2 च्या व्हॅल्यूज विचारलेल्या आहेत. सो काय म्हणते डायग्राम? एल्व्होलर एअर PO2 104, PCO2 40. ओके, आता इथे विचारलेलं आहे क्वेश्चन PO2. आता हे कोणतं ब्लड आहे? हे ब्लड येणारं ब्लड आहे. सो दिस इज ऑक्सिजनेटेड ब्लड. लुक ॲट द एरो डायरेक्शन, राईट? अँड ऑक्सिजनेटेड ब्लडचं आपल्याला PO2 आणि PCO2 विचारलेलं आहे, राईट? फॉर ऑक्सिजनेटेड ब्लड सो PO2 विल बी 95 अँड PCO2 विल बी 40, इज इट? येस. Isn't it? Option it is. Yes. It will be C. हे ब्लड डायरेक्शनवरनं कळू शकतं ऑक्सिजनेटेड आहे. बाहेर इकडनं दूर जात असेल तर डी ऑक्सिजनेटेड होईल. Isn't it? So quite easy. प्रेम शिंदे, you are great. धन्यवाद. कॉम्प्लिमेंटच होत्या का पण नक्की? मला तुम्हा लोकांचं काही कळतच नाही कधी कधी. संतोष केळकर 57 आन्सर्स. येस, 58. जस्ट ॲट द ब्रीदिंग इन PCO2 इन द सराउंडिंग कॅपलरी ब्लड compared to that in alveoli is just at the breathing in. जेव्हा आपण श्वास आत घेत असतो त्या मोमेंटला PCO2 in the surrounding capillary blood compared to that in the alveoli कसा असेल? लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण श्वास आतमध्ये घेतोय त्या मोमेंटला, ॲट द एंड, श्वास आत घेतानाचा शेवटचा पॉईंट, त्यावेळेस काय सिच्युएशन असेल? PCO2 कॅपिलरी ब्लड कॅपिलरीमधलं आणि अल्व्होलायमधलं कम्पेअर केलेलं आहे. येस, व्हॉट यू से? इट मस्ट बी, येस, इट मस्ट बी ग्रेटर ॲज कम्पेअर टू अल्व्होलाय. दॅट इज ओनली सिच्युएशन पॉसिबल वेन वी कॅन एक्झेल आउट, इजंट इट? बरोबर आहे की नाही? कॅपिलरीमध्ये जास्त असेल CO2, तो कुठे येईल? अल्व्होलायमध्ये. तरच आपण एक्झेलेशन करू शकतो, ठीक आहे? आणि तरच काय होऊ शकतं? अल्व्होलायमधला ऑक्सिजन ब्लडमध्ये येऊ शकतो. मी म्हणून तर म्हटलं की रेग्युलेशनच्या ठिकाणी जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा CO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन मेजर ठरतं, राईट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. व्हॉट इज इट? चाइल्ड टूक शुगर केन अँड सक इट्स ज्यूस. रिगार्डिंग दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मॅच इज करेक्ट? सो आता शुगर केन ज्यूस म्हटल्यावर प्रोटीन स्टार्च लिपिडचं येतच नाही. सिम्पली फर्स्ट ऑप्शन ओरडू ओरडू इन्व्हाइट करता येते तुम्हाला. सुक्रोज, इन्व्हर्टेज, नाव इज
here it seems to be something wrong. Site of secretion of enzyme is given wrong here. Yes, yes, yes. Site of secretion is wrong. Regarding this, which of the following match is correct? Sucrose is fine. Invertase. Okay. Duodenum. Yes, yes, yes. Duodenum is fine because in small intestine, only digestion, the initial part, that is starch to maltose, like that activities, they are possible in the mouth. Yes. For a moment, I got it wrong. Yes, yes, in duodenum. Disaccharide जे digestion आहे ते duodenum मध्ये होतो. Polysaccharide to disaccharide चा जो part आहे तो mouth cavity मध्ये, पण disaccharide चा part जो आहे तो small intestine मध्ये. And final output is glucose and fructose. Anyway, question was quite easy because protein, starch, lipid यांचा संबंध sugar cane सोबत तर नक्कीच येत नाही. Right? So this was today's session. I hope everything was fine. सगळं व्यवस्थित झालं असेल. सो लेट मी नो युअर स्कोर्स. स्कोर्स काय काय आले ऑन माय बिहाफ? हियर आय कॅन सी सम वॉज बफरिंग. येस, नाउ इट्स ओव्हर. येस, स्कोर ऋषिका 232. ग्रेट, छान. अजून स्कोरचं नाव काढलं का? कमी झाले बघा. कॉन करंट व्ह्यूअर्स सानिका 221, छान. अजून आले दोन, वापस गेलेले होते. सालस 224, निकू 236. व्हेरी गुड निकू. विच क्वेश्चन यू ड्रॉप? निकू कुठला क्वेश्चन ड्रॉप केला? 200. सारा अंजुम, सारा अंजुम. ओके, ठीक आहे, अभी प्रोग्रेस आहे. प्रेम बद्रे 202, प्रोग्रेस आहे. तुम्हाला एक गोष्ट आठवत असेल, मी आता 2 दिवसापूर्वी बोललो होतो, दॅट विच थिंग गिव्ह अस अ सॅटिस्फॅक्शन, दीज नंबर्स टेल मी. येस, वैष्णवी गॉट 200. येस, वैष्णवी, प्रेम, सालस, श्रीनाथ, ऋषिका, सोम गॉट 230. वेरी गुड सोम. टेल मी ऑनेस्टली, ये नंबर्स आपको कितने दिन खुश रखेंगे? एक दिन या दो दिन? इज़न्ट इट? इससे ज़्यादा कल का स्कोर आएगा, वो स्कोर आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है या फिर और खुश कर सकता है. इनफैक्ट दीज नंबर्स आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग. लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है? जो हमने पढ़ा था, जो पढ़ते समय हमें जो खुशी मिल रही है, वो जो लोग वो खुशी के पीछे लगते हैं, उनको ये खुशी अपने आप में मिल जाएगी. लेकिन जो लोग मार्कों के लिए पढ़ रहे, मार्क्स ज़्यादा चाहिए, उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा. वो बिलीव मी, दे विल फेस मेनी डिफिकल्टी. क्यों? तो क्या होता है, जब हम स्कोर के पीछे लगते हैं, देन तब क्या करते हैं कि हम लीगल इलीगल सभी तरीके से स्कोर इकट्ठा करना करने की सोचते हैं. तो फिर बहुत बार स्कोर आ भी जाता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, वो टिकता नहीं है वो. क्योंकि ज़रूरी नहीं हमारे आगे या पीछे बैठने वाला हमेशा टैलेंटेड बंदा हो. तो इसलिए कोशिश एक ही करनी है हमको सबको, क्या, कि जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें खुशी ज़्यादा से ज़्यादा, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिलेगा. राइट, सो इस प्रवचन के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं. नहीं तो कुछ स्टूडेंट सालस वगैरह सोचती होगी कि सर का अभी लेक्चर शुरू हो गया. ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आज सब लोगों ने अच्छे स्कोर किए. एवरीबॉडी इज 200+, और ख़ासकर ऐसे तब जब दो चैप्टर पर एग्ज़ाम थे. राइट, तो एक तो बात है कि सब कुछ जो है वो अब तक तो ठीक चल रहा है, इज़न्ट इट? लेकिन ये आखिर तक ऐसे ही ठीक चलना चाहिए. जो अभी 11वीं में है, मतलब लीगली 12वीं में नहीं गए, उनके लिए भी, और जो 12वीं में है, 12वीं ख़त्म कर चुके, और जिनको अभी नीट का एग्ज़ाम भी लिखना है, उनके लिए भी ठीक है. ये जो है
मेरे मुंह के सामने से ज़्यादा। उसका रीज़न मैंने आपको बोला था कि बेसिकली फ्री का जो हम यूज़ कर रहे हैं सब कुछ ऐप्स, तो उसके वजह से लोग हो जा रहा है। आई एम ट्राइंग टू परचेस इट, लेकिन सब कुछ बंद बंद है तो कुछ नहीं हो पा रहा है शायद। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी लाइक्स, कमेंट, शेयर, इन चीज़ों पे ध्यान दें, अच्छा रहेगा। ठीक है, यस सोहन, थैंक यू, थैंक्स फॉर कंसर्न। लेट अस स्टॉप दिस सेशंस, फिनिश दिस वन। ओके, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।